अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोकल एसईओ क्या होती है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लोकल एसईओ बेसिकली जो लोकल रिजल्ट्स होते हैं जिनमें सिटी नेम इंक्लूड हो या किसी कंट्री का नेम या नियर मी, जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ नियर मी, वेब डिज़ाइनर नियर मी, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर रैंक करना, उनके लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना। तो लोकल एसईओ का मकसद अपनी वेबसाइट की, जो हमारी लोकल वेबसाइट होती है, उसकी ट्रैफिक इंक्रीज़ करना, लीड्स लेना और ब्रांड अवेयरनेस। मतलब अगर एरिया में हमने अपनी कंपनी को, न्यू कंपनी को मशहूर करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको लीड्स का नहीं पता, लीड्स एक स्पेसिफिक टर्म है जो सबसे ज़्यादा लोकल एसईओ में यूज़ की जाती है। तो लीड से मुराद है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनका नेम, उनका फ़ोन नंबर और उनका ईमेल वगैरह, इसमें दो तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लेकिन ये भी बिजनेस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जो 40% गूगल के ऊपर सर्चेज होती हैं टोटल, वो लोकल इंटेंट के लिए होती हैं। मतलब सर्च करने वाला जो है लोकली किसी चीज़ को तलाश कर रहा होता है। और जो नियर मी की सर्चेज हैं, वो जो नॉर्मल, जिसमें मतलब सिटी नेम वगैरह इंक्लूड हो जिस कीवर्ड में, उससे 150% जो है वो ज़्यादा ग्रोथ कर गई हैं। मतलब उससे नॉर्मल कीवर्ड से ज़्यादा होने लग पड़ी हैं। तो इस वजह से इसकी ऑप्टिमाइजेशन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और जो 29% गूगल के सर्च रिजल्ट्स हैं, उनमें लोकल पैक दिखाया जाता है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैप पैक क्या होता है। सेवेंटी फोर परसेंट कंज्यूमर्स जो किसी लोकल चीज़ के लिए सर्च करते हैं, वो स्टोर विजिट करते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़।